फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने घर या दुकान पर प्रिंटर यूज़ करते हैं। अगर आप खुद भी प्रिंटर यूज़ नहीं करते हैं तो जो भी आपका कोई फ्रेंड या लेडी प्रिंटर यूज़ करता हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक प्रिंटर की ऐसी कार्ट्रिज की इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको कि आप बड़ी ही आसानी से रिफ़िल कर सकते हो। आपको पता है कि हमारे प्रिंटर में जो कार्ट्रिज लगी हुई आती है, या फिर आप किसी भी अदर कंपनी की अगर कार्ट्रिज लेते हो तो उसको आप खुद रिफ़िल नहीं कर सकते। उसमें आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आपको मार्केट से उसे रिफ़िल करवाना पड़ेगा या फिर आपको न्यू कार्ट्रिज परचेज करनी पड़ेगी। और अगर आप न्यू कार्ट्रिज परचेज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। अगर आप मार्केट से रिफ़िल करवाते हैं तो आपको डबल नुकसान होता है। सबसे पहले तो आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप पहले कार्ट्रिज देकर आएंगे, फिर पूछ के आएंगे कि भाई साहब मेरी कार्ट्रिज कब तक रिफ़िल हो जाएगी, मैं कब लेने आऊँ। फिर आप कार्ट्रिज लेके आएंगे और इसके लिए आपको कम से कम भी 300 से 400 रुपए तक जो है वो पे करने पड़ेंगे। लेकिन आज जो मैं कार्ट्रिज की जानकारी आपको दूंगा, इसको कंपनी ने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है, इसके ऊपर ही कैप दे दिया गया है और साथ में एक रिफ़िल बोतल भी एक्स्ट्रा फ्री दी गई है। यानी कि अभी तो ये फुल फिल है, लेकिन जैसे ही इसकी इंक खत्म हो जाती है, बड़ी ही आसानी से इसका ये वाला कैप यहाँ से ओपन करके आप इसको इस तरह से रिफ़िल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद लगी। जो प्रिंटर में जैसे हमारे कार्ट्रिज लगी हुई आती है, मैंने भी एक बार उसको यूट्यूब पर वीडियो देखकर रिफ़िल करने का ट्राई किया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई और रिफ़िल भी नहीं हो पाई, और मेरे को मार्केट से ही जो अपने प्रिंटर की कार्ट्रिज थी वो रिफ़िल करवानी पड़ती थी। फ्रेंड्स, मैं दोनों कार्ट्रिज आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ ताकि दोनों का डिफरेंस भी आप अच्छे से देख पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, दोनों कार्ट्रिज वैसे देखने में आपको सेम लगेंगी और यूज़ करने में भी मेथड सेम रहेगा, लेकिन इनके डिफरेंस क्या है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप दोनों कार्ट्रिज को इस तरफ से देखेंगे तो इसका जो रिफ़िल करने का पॉइंट है वो नीचे दिया होता है, यानी कि आपको पहले इसको अच्छी तरह से ओपन करना पड़ता है, फिर ही आप इस कार्ट्रिज को रिफ़िल कर पाते हो। लेकिन इसमें कंपनी ने यहाँ पर डायरेक्ट कैप दे दिया है, यानी कि आपको इसको खोलने का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ आपने इस कैप को ओपन कर लेना है और बड़ी आसानी से आप इस कार्ट्रिज को रिफ़िल कर सकते हो। अब आप देख लीजिए कि जब भी आप नई कार्ट्रिज यूज़ करें तो उसको यूज़ करने का मेथड क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो इस साइड पर एक ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको आपने निकाल देना है बाहर। इसके बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह का एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको आपने निकाल देना है। एंड इसके बाद आपने ये वाली सेफ्टी फिल्म निकाल देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने अच्छी तरह से कार्ट्रिज को हिलाना होता है ताकि जो पाउडर है वो इसमें अच्छे से हिल पाए, तो आपने कार्ट्रिज को अच्छी तरह से हिला लेना है। आपने इस कार्ट्रिज को रिफिल करना हो तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें देखिए वेस्ट टोनर का जो होल दिया गया है, इस कैप को पहले हटा देना है। यहां से आपने वेस्ट जो पाउडर बचा है वो निकाल देना है। दोबारा से इस कैप को लगाने के बाद इसमें यहां पर देखिए जो ये वाला कैप दिया गया है, यहां से इस कार्ट्रिज को रिफिल कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हमारी कार्ट्रिज यूज़ करने के लिए तैयार है। अब हम इसको प्रिंटर में लगाकर इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि आखिर हमें इसके प्रिंटआउट की क्वालिटी कैसी मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम इस कार्ट्रिज को प्रिंटर में डालकर इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी चेक कर लेते हैं। हालांकि मेरा प्रिंटर काफ़ी पुराना हो चुका है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी भी हमें इस कार्ट्रिज की मिली है। देखिए, ये हमने एक अमेज़न के नाम का प्रिंट निकाला है इस कार्ट्रिज। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस कार्ट्रिज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस कार्ट्रिज को आप अपने लिए ऑर्डर करना चाहें तो सबसे पहले आपके प्रिंटर में जो भी कार्ट्रिज आप यूज़ कर रहे हैं आपने उसको निकाल लेना है। उसके ऊपर मॉडल दिया होगा कि आखिर कौन से मॉडल की आपकी कार्ट्रिज है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप अपने लिए अमेज़न से इस कार्ट्रिज को परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँ। आपका कोई भी सुझाव हो या फिर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप कॉमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। इसके साथ ही अगर आप पहली बार मिस्टर ग्रो चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप मिस्टर ग्रो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ वीडियो में शेयर करूं तो वो वीडियो आपकी मिस ना हो। और हम जल्द मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ।